भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कई काम किए जा रहे हैं, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने और लाने के लिए सूची तैयार करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है। वहीं जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा से। बात करते हैं पूर्व यूआईटी चेयरमैन और वर्तमान में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामपाल जी शर्मा साहब को, जिनको ये जिम्मेदारी मिलेगी लॉकडाउन 3 में जो राजस्थान के प्रवासी श्रमिक जो पूरे देश के विभिन्न कोनों में इस समय रह गए हैं, उनको भीलवाड़ा लाने की। तो रामपाल जी शर्मा साहब, आप बताएं कि आपने किस हिसाब से क्या तैयारी कर रखी है, उनको क्या योजना है कि आप भीलवाड़ा किस तरह ला सकते हैं? ऐसा हमारे देश की नेता सोनिया जी गांधी ने आह्वान किया था कि पूरे हिंदुस्तान में जो जाम भी लगे हुए हैं लोगों को जाकर रहने वाने वहाँ के लड़ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जिम्मेदारी दी। भीलवाड़ा जिले में जिला अध्यक्ष होने के नाते हमें जिम्मेदारी दी है, तो हम सूची बना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी दोनों इस मामले में संवेदनशील है, और जैसे ही वहाँ सरकार से बात करके जो जो सूची है वो हम भेज रहे हैं, ताकि जो लोग हैं जहाँ आना चाहे वो पूछ सकें और जो भी सरकार के दिशा निर्देश है उसके अंतर्गत वो आ सकें। आपने जो इनको लाने के लिए बसें या ट्रेनों की जो व्यवस्था है उनके लिए आगे बात कर ली है या प्रशासन से आप करेंगे? नहीं, ये काम राज्य सरकारों का है, एक राज्य सरकार से दूसरे राज्य सरकार का आपस में है। जैसे जो भी राजस्थान की संख्या होगी उस संख्या के अनुसार सरकार ही वहाँ बात करेगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी दूसरी जगह बात करके जो भी साधन होगा वो वहाँ उसी तरीके से सूची के अनुसार आदमियों के अनुसार साधन लगाएंगे। भीलवाड़ा में जब कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और लगातार सैंपलिंग हो रही थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में लगातार 6 से 7 दिन का समय लग रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने और खासकर जिला अध्यक्ष रामपाल जी शर्मा ने विशेष सहयोग किया, और किस तरह का सहयोग किया कि ये जो लैब है भीलवाड़ा में स्थापित हो पाई? ऐसा मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने जैसे ही कोरोना का मामला आया उन्होंने 2 चीज की घोषणा की थी। एक घोषणा ये थी कि कोई भूखा नहीं रहे, एक घोषणा ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो। तो हमारे यहाँ लैब डेवलप की, लैब में बामा साहू ने हम सब लोगों ने सहयोग करके वहाँ मशीनें स्थापित करवाई और उस लैब को चालू किया। अब टेस्टिंग यही होने लगी, पर डे की टेस्टिंग पर डे को पता लग जाता है, आसपास के जिलों का भी इसको फायदा मिलेगा, इसलिए हमने उस सब लोगों ने प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी की भावना थी, उसके अनुरूप काम किया। भीलवाड़ा में जब कर्फ्यू 20 मार्च को लगा, उसके बाद अचानक रोजी रोटी का संकट गरीब आदमियों में या रोज काम करने वाले व्यक्तियों में हो गया, तो उसकी खाद्य सामग्री के लिए जो आपके विशेष पहल से जो व्यवस्था हुई वो किस तरह हुई, किन किन का सहयोग आपने लिया? देखो, खाद्य सामग्री के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा सारी घोषणाएं करने के बाद भी रोजमर्रा के जो लोग थे उनके लिए अलग से हमने कंट्रोल रूम बनवाया है। प्रशासन जिला कलेक्टर महोदय ने के नेतृत्व में कंट्रोल रूम बना, जो भी भामाशाह थे उन लोगों को प्रेरित किया गया और वो सारे लोगों ने वहाँ अपनी तरफ से जो सहयोग किया उससे 30-40 हज़ार पैकेट हमने जो आवश्यक जो लोग थे उनको प्रशासन के माध्यम से बांटी। काफ़ी सभी पार्टी के लोग थे, काफ़ी लोगों ने भामाशाहों ने इसमें सहयोग किया और बेहतरीन सहयोग है। आज की तारीख में हमारा इस बात की खुशी है कि इतने दिन के लॉकडाउन 50 दिन के लॉकडाउन के बाद भी भीलवाड़ा शहर में सब लोगों को पूरी सुविधाएँ मिल रही है। भीलवाड़ा रेड जोन से ऑरेंज जोन में कन्वर्ट हो गया है, भीलवाड़ा में एक बार कर्फ्यू में भी ढील दी जा चुकी है, और दूसरी पार्टी और आम जन का भी यह है कि अब इस ऑरेंज जोन में होने के बाद कर्फ्यू में ढील दी जानी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कर्फ्यू या लॉकडाउन का कोई इशू नहीं है, इशू पूरे देश में 17 तारीख तक लॉकडाउन है जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, मुख्यमंत्री जी हमारे अशोक गहलोत। जहाँ तक भीलवाड़ा कर्फ्यू की बात है, लॉकडाउन और कर्फ्यू में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। तो 17 तारीख तक तो ये व्यवस्था है जो सरकार ने कर रखी है, उसमें सबको रहना है। कर्फ्यू नाम हटा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉकडाउन तो है ना। ये कहना है हमारे भीलवाड़ा के जो जिला अध्यक्ष हैं रामपाल जी शर्मा साहब का कि ये मॉडल सब टीम वर्क का है, जो लीडर है उसी के निर्देशों पर यह काम हुआ है। कैमरामैन कोइन पैक के साथ योगेश शर्मा, MNTV भीलवाड़ा।